बोल्ड सीन्स देख बंद कर लेंगे आप आंखें। दोस्तों, कॉमेडी टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने कई एक्टर्स को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया था। इन्हीं में से एक दिशा वकानी भी थी। इस टीवी सीरियल में दिशा वकानी ने जेठालाल बने दिलीप जोशी की वाइफ दया बेन का किरदार निभाया था। इस किरदार के दम पर दिशा रातों रात पॉपुलर हो गई थी। आपको बता दें कि दिशा के पूरे करियर में यह टीवी सीरियल मील का पत्थर साबित हुआ था। एक्ट्रेस ने इससे पहले भी कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया था, लेकिन वे बेहद छोटे मोटे रोल्स हुआ करते थे, जिनकी दम पर पहचान बना पाना लगभग नामुमकिन था। एक्ट्रेस दिशा वकानी को पहचान टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से ही मिली थी। हालांकि वे साल 2017 से इस टीवी सीरियल का हिस्सा नहीं है। इस टीवी सीरियल में आने से पहले वे बी ग्रेड फिल्में तक में काम कर चुकी थी। जी हाँ, दिशा ने जिस बी ग्रेड फिल्म में काम किया था उसका नाम था कमसिन द अनटस्ड। इस मसाला फिल्म में दिशा ने एक कॉलेज जाने वाली लड़की का रोल निभाया था। फिल्म में दिशा के ऊपर जमकर बोल्ड सीन फिल्माए गए थे, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा दिशा के करियर को नहीं हुआ था। दिशा वकानी कई बड़े बजट की फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स निभा चुकी हैं। इन फिल्मों में जोधा अकबर भी शामिल है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में थे। वहीं दिशा ने इस फिल्म में एक दासी की भूमिका निभाई थी, जो जोधा यानी कि ऐश्वर्या राय के आसपास मौजूद रहने वाली दासियों में से एक थी। इसी तरह फिल्म लव स्टोरी 2050 में भी दिशा नौकरानी का रोल निभा चुकी है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में थे। वहीं दिशा ने इस फिल्म में एक दासी की भूमिका निभाई थी, जो जोधा यानी कि ऐश्वर्या राय के आसपास मौजूद रहने वाली दासियों में से एक थी। इसी तरह फिल्म लव स्टोरी 2050 में भी दिशा नौकरानी का